दूसरा गाने का बहुत शौक है। अच्छा वाकई में बड़ा कैमरा लेके घूमता है तो था। हाँ, और फिर फोटोग्राफी का बहुत शौक था उसको, बहुत ज्यादा। और हम लोग जब गए, आप नहीं उस जा सके थे, हम लोग गए यूपी। हाँ, मैं बहुत शौक था। तो गाना गाने का या गाने का भी बहुत शौक था। ये जैसे उसके एक दोस्त था, एक हमारा एक मेरा एक दोस्त था, तो उसके घर आमिर आप भी आए हुए हैं मेरे दोस्त की तरफ। वहाँ पे भी वो कैरोके वगैरह करते थे ना, वो जो गाने के साथ म्यूजिक और फिर लिरिक्स आ रहे थे तो आप साथ गाते थे। तो वहाँ एक दफा उसने देखा, तो उसके बाद उसका एक अपना दोस्त था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो वहाँ हम गए तो इट वाज ऑल कैरोके नाइट एंड एक्चुअली वुड लव टू सिंग एंड ही वुड सिंग मतलब पुराने क्लासिक सॉन्ग्स, इंग्लिश के पुराने वो जो 80s 90s के, बड़े अच्छे तरीके से जज करता था लोगों को, फॉरन रीड कर लेता था साइकोलॉजी के। और उसके दो तीन दोस्त थे जो उसके साथ जो साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, वो फिर हमें वो उनके साथ भी जब मुलाकातें हुई बैठना, तो अर्शद इतने बेहतर तरीके से आपको इवेल्युएट करता था, जज करता था। काशी भाई, जो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अर्शद को पता चले ना कि यह फलान जगह के ऊपर स्टोरी डेवलप हो रही है और उसके इंटरेस्ट की है, यकीन करें कि मतलब मैं अब चले आप 20-25 साल हो गए हैं जर्नलिज्म के अंदर, एट टाइम होगा यार छोड़ो यार की हो गया खैर को देख लाने, लेकिन जो मर्जी हो जाए अर्शद ने अगर जाना है वहां पे तो जाना है। वेरी रिसेंटली आपको पता है ये जो अफगानिस्तान जाने का वाक्य हुआ और आपने शायद जिक्र किया था जाना, अगर मैं तो उस सूरत में जाऊंगा अगर मुझे पंचेर जाने का मौका मिले। एंड अर्शद काशिफ के अब क्योंकि चाबी खत्म हो गई है मेरा मतलब ये और अर्शद शरीफ रिसेंट जब अफगानिस्तान वाला मौका मिला ही वेंट देयर एंड ही वेंट टू पंचेर। या अर्शद देखिए मैं आई मेट डेविड डेविल आई मेट अर्शद पहली दफा मेरा ख्याल है मुझे याद नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा कि हम दोनों फॉरेन आउटलेट्स के लिए काम करते थे पोस्ट 2001। मैं सीएनएन के लिए काम करता था, अभी ये राइट रॉयटर्स या इसके लिए रॉयटर्स के लिए बिल्कुल। तो आई यूज्ड टू गो टू द रॉयटर्स ऑफिस जस्ट टू सी कि बोर्ड पे क्या है इसके आ रही है, सो वी प्रॉब्ली मेट इट देयर आई डोंट रिमेंबर। तो उसके बाद आई जॉइन ERY तलत साहब के प्रोग्राम में आता होता, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें सिर्फ रिपोर्टर्स आते थे, वीक में एक प्रोग्राम सिर्फ रिपोर्टर्स इस्लामाबाद पे। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग, मैं फारग होता था, कभी कैमरे में खड़ा हो जाता था, कभी कोई नहीं सुनता था। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग हिम और फिर मैंने कोशिश की एक दफा कैसे एज डायरेक्टर न्यूज आ जाए हमारे पास, मेरा हाल मेरे घर आया, मैं कहा आपसे उसने नया नया प्रोग्राम ही शुरू कर लिया था। यहाँ ने कहा था क्या था ब्रो, खून लग गया मुंह को आप प्रोग्राम, क्योंकि हमारा हमने सोचा ये था कि जो भी डायरेक्टर न्यूज होगा या मैनेजरियल पोजीशन होगा वो प्रोग्राम नहीं है, वक्त नहीं उसके पास होता DN से। तो मुझे लगा था यार अब खून लग गया मुंह के ऊपर, अब प्रोग्राम लाजमी करना, बात शुरू हुई खत्म हो गई। देन लेटर ऑन हमने कहा जब डायरेक्टर न्यूज ना प्रोग्राम के लिए आए, वीकेंड प्रोग्राम के लिए उसने आए, एंड देन दैट ऑल्सो आई स्पोक टू हिम, सारा कुछ हो गया, मामला तय हो गया। तो द इंटरेस्टिंग बिट वाज मैं उसको प्रोग्राम शुरू शुरू में याद आया था, आई वुड कॉल हिम इन माय शो, मैंने आज बार पूछो तजिया दे, कहता वो ये कहता है वो ये कहता है, मुझे पता वो दोनों क्या कहते हैं टीवी प्रोग्राम का वाक्य बता, मैं कहा मैंने पूछा अक्षर क्या कहता है तू क्या कहता है भाई वो बता। तो आगे से उसका जवाब आया कि जर्नलिस्ट का ओपिनियन नहीं, तो प्रोग्राम खत्म हुआ बार्गेन, मैं कोई एक ही कह रहे हैं कब तक चलाएगा। आखिर में हर आदमी को जो भी कभी बहस हो जाती थी ना उसका अक्षर स्ट्रॉन्ग व्यूज लेता था, कहता ये आदमी से मना रहा है इसका मित्र करके, ये मुझे कहता था कि पोजीशन लेनी पड़ती है या इधर ऑन दिस साइड और दैट साइड, कोई भी साइड है ये छोड़ दो ठीक है, कौन क्या लोग क्या कर। और आई हैव सीन दैट होल फेज ऑफ अर्शद के साथ, यू नो वो सॉरी उसने ऐसी पोजीशन ली कि फिर ट्रांसमिशन में काशी साहब कहेंगे तो आप गोली खा लें, आप पानी पी लें, ब्रेक पे चले जाएं, गोली खा लें, ये फिर रोकना पड़ा, फिर रोकना पड़ गया कि वक्त भी यू नो टॉक इज हार्ट आउट। और वो इतने उसमें ना वो ऑन द लाइटर नोट बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती थी, कभी कभार यू नो फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं यार, और देखता था मैं एक चीज और ऐड करता हूं, अभी ये मोमेंट आता होता था सेशन इज गोइंग एंड यस मार रहा है मुझे सेशन को पानी पिलाओ गोली खिलाओ, आई हैव दिस थिंग मैं लाइव सीरियस ट्रांसमिशन की शोगल मजाक ऑफ लेट उसने शेर शायरी शुरू कर दी थी। आज ना भी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, अर्शद शरीफ ने इस शहर इक्तदार के अंदर मेरे जैसे नाचीज को भी और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे इर्द गिर्द इस वक्त जो बड़े साफी बने हुए हैं, बड़े सारे लोगों के को कैरियर्स के अंदर उनको पुश दी
और ऐसी ऐसी पोस्ट दी कि वो नाकाबिले यकीन है। आज के दौर में आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई बंदा किसी को, किसी के कैरियर को लेके, किसी के दोस्त के कैरियर को लेके इतना भी संजीदा हो सके।